Okay, hello, good evening everyone. I welcome you all on behalf of Nirmal Bang, and I also thank Amit Bhutani to cater this presentation on this tough situation. So over to you, Amit. Hello everyone, my name is Amit Bhutani. I'm a derivative and technical research analyst from Nirmal Bang Securities. So आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑप्शंस में बेसिक कौन कौन सी चीज है जो हमें टॉपिक स्टार्ट करने के पहले समझनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है कि ऑप्शंस का बेसिक क्या है, पर सबसे पहली बात ये है कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम वो चार्ट और वो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे जिसके पहले हम लोग को एग्जाम्पल सीखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अगर ऑप्शंस में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले रहते हैं टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शन दो तरह के रहते हैं, सबसे पहले कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। इसका मतलब क्या होता है, जब भी किसी को कोई चीज पॉजिटिव लगती है तो कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, और जब भी किसी को कोई चीज नेगेटिव लगती है तो पुट ऑप्शन बाय करते हैं। जो सेकंड चीज है वो है ओपन इंटरेस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के तारीख में ऑप्शंस में। अगर ओपन इंटरेस्ट आप समझ गए तो समझ लीजिए कि आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट हो जाएगा ऑप्शन में स्टॉक पिक करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ओपन इंटरेस्ट पिक करने के लिए। सो ओपन इंटरेस्ट के बारे में हम डिटेल में जानकारी करेंगे आने वाले टाइम में। उसके पहले नेक्स्ट पैरामीटर्स हम लोग ले लेते हैं। जो तीसरी चीज है वो है PCROI। PCROI का मतलब पुट कॉल रेशियो ऑफ ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब ये होता है एक कॉल के सामने कितने पुट खड़े हैं। तो ये जैसे हम टेक्निकल में देखते हैं कि एक ओवरसोल्ड जोन और ओवरबॉट जोन हमें पता चलता है, वैसे ही ऑप्शंस में हमें पता चलता है कि ओवरबॉट जोन कब हो रहा है और ओवरसोल्ड जोन कब हो रहा है। ये PCROI द्वारा हमें पता चलता है। PCROI एक निफ्टी के रेंज में चलता है। निफ्टी का PCROI एग्जाम्पल लेते हैं तो 0.90 से 1.60 के रेंज में ट्रेड करता है। तो जैसे ही कोई स्टॉक 1.60 के अबव जाता है, जैसे PCR निफ्टी का 1.60 के अबव जाता है, तो टाइम पे हमें समझ पड़ती है कि स्टॉक इंडेक्स में बहुत बाइंग हो गई है और इसमें कभी भी प्रेशर आना चालू हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। सो वो टाइम पे एक पहला इंडिकेटर दे देते हैं कि ओवरबॉट जोन कब होते हैं 1.60 के ऊपर। जैसे PCROI निकलता है निफ्टी का तब एक ओवरबॉट जोन का इंडिकेशन देता है, वैसे ही 0.90 के नीचे जब जाते हैं PCROI तो एक ओवरसोल्ड जोन का इंडिकेशन देता है। जो तीसरी चीज है वो है स्ट्राइक सिलेक्शन, मतलब कौन कौन से स्ट्राइक्स होते हैं। तीन स्ट्राइक्स होते हैं, एक तो ATM, ITM और OTM। इसका मतलब क्या होता है, ATM स्ट्राइक मतलब एट द मनी स्ट्राइक, ITM स्ट्राइक मतलब इन द मनी स्ट्राइक, और OTM स्ट्राइक मतलब आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक। इसका मतलब क्या होता है, जैसे समझ लेते हैं, ATM स्ट्राइक मतलब जब भी आपका कोई स्पॉट रेट चालू है उसके आजू बाजू की जो भी स्ट्राइक रहती है, नियरेस्ट स्ट्राइक जो रहती है उसको ATM स्ट्राइक बोलते हैं। जब भी आप भाव के अंदर रहते हैं, जब आप प्रॉफिट मार्जिन में रहते हैं तो टाइम पे रहते हैं इन द मनी स्ट्राइक, और जब भी फ्यूचर का स्ट्राइक रहते हैं उसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक। तो ये बेसिक पैरामीटर समझ लिए तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी विद द हेल्प ऑफ ओपन इंटरेस्ट। तो डिटेल में हम समझते हैं ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो लिटिल स्लो, अब थोड़ा फास्ट जा रहे हैं। ओके सो ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। ओपन इंटरेस्ट के वर्ड में इसका मतलब छुपा हुआ है। ओपन इंटरेस्ट मतलब किसका इंटरेस्ट कहाँ पर ज्यादा है, कौन से स्टॉक में, कौन से इंडेक्स में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बाइंग साइड बढ़ रहा है या सेलिंग साइड बढ़ रहा है। कोई न्यूज आने वाली है, कुछ भी इंडिकेशन आने वाले मार्केट में, तो हमें सबसे पहले इंडिकेशन देता है ओपन इंटरेस्ट। सो ओपन इंटरेस्ट समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप ओपन इंटरेस्ट समझते नहीं है उसके पहले ऑप्शंस में एंट्री लेना बहुत डिफिकल्ट है। तो हम समझते ओपन इंटरेस्ट एग्जांपल द्वारा समझते हैं। जैसे आज के दिन में जैसे हम समझते हैं, लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं, लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन के बाद कौन सी चीजें में हम लोग ने परिवर्तन देगा, मतलब कौन सी चीजें में हम लोग ने चेंजेस देंगे। जैसे ही लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, उसके बाद हम लोग ने देखा कि जो भी शॉप्स थे, कौन से शॉप जैसे ग्रोसरी स्टोर, मेडिकल स्टोर, वहां पे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ना चालू हो गया। बाकी जितने भी स्टोर्स थे वहां पर हम लोग ने देखा कि लोगों का इंटरेस्ट कम होने लगा। ये क्यों, जैसे पास्ट एग्जांपल हम लोग ने देखे, पास्ट एग्जांपल मतलब पिछले कंट्रीज में जहां कोरोना पहले शिफ्ट होते हुए दिखा था और लॉकडाउन पहले ही होते हुए देखा था, तो वहां पर भी लोगों ने पहले स्टॉक राशन जमा करना चालू कर दिया था और मेडिकल की चीज जमा करने चालू कर दी थी। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई घटना घटने वाली है, कैसे कोई न्यूज आने वाली है, तो लोगों का इंटरेस्ट वो साइड पे शिफ्ट होते हुए दिखता है। वैसे हम लोग स्टॉक में देखते हैं, जब भी कोई स्टॉक में तेजी से ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है और प्राइस एक कंसोलिडेशन जोन में चलता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि स्टॉक या इंडेक्स में कभी भी कुछ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का टाइम आ सकता है। तो ये होता है ओपन इंटरेस्ट।
अभी नेक्स्ट स्लाइड पे शिफ्ट करते हैं, वो द यूजेस ऑफ ओपन इंटरेस्ट। सो हाँ, चार तारीख के ओपन इंटरेस्ट रहते हैं। सबसे पहले लॉन्ग क्रिएशन, जो सेकंड है वो है लॉन्ग अनवाइंडिंग, जो थर्ड है वो है शॉर्ट क्रिएशन, और जो फोर्थ है वो है शॉर्ट कवरिंग। ओपन इंटरेस्ट एक सर्कल में ही प्ले आउट करता है। जो सबसे पहले लॉन्ग क्रिएशन, इसका मतलब क्या होता है, जब भी कोई स्टॉक या इंडेक्स में कोई तेजी आ रही है और लोग हावी होकर बाई करते ही जा रहे हैं, जो भी प्राइस मार्केट में मिल रहा है वो रेट पे बाई करते ही जा रहे हैं, ये क्यों करते जाते हैं, क्योंकि उन लोग का व्यू बैठे वो टाइम पे कि आने वाले टाइम में या आने वाले थोड़े दिन के अंदर इस स्टॉक कम से कम बहुत ऊपर से तेजी से फटने वाला है। और क्योंकि इसके एक रीजन है, क्योंकि एक साथ लोगों का इंटरेस्ट उसमें जमा हो रहा है। वो कैसे हमें पता चला, जब भी कोई प्राइस इंक्रीज होती है साथ में ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि उसमें फ्रेश पोजीशंस लॉन्ग की इनिशिएट हो रही है। जैसे समझ लीजिए कोई स्टॉक है 100 रुपए का, हम लोग को लग रहा है उसका 120 तक रेट जाने वाला है, और 100 रुपए 98 से 100 के बीच में हम लोग देख रहे कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चालू हो गया, साथ में प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गया। तो ये इंडिकेशन डायरेक्टली दे देता है कि अभी इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स आने वाले या ब्रेकआउट जोन पे ये स्टॉक, तो हमें वही टाइम पे एंट्री लेनी चाहिए। जो दूसरा है, जो दूसरा पैरामीटर है वो है लॉन्ग अनवाइंडिंग। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग ने एग्जांपल लिया, कोई स्टॉक 100 रुपए का, उसका रेंज हम लोग को ऊपर में 120 तक लग रहा है, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग, लोगों ने स्टॉक के आसपास से पोजिशन खरीद ली, अभी 118 से 120 के आसपास आ रहा है, वहां पर हम लोग देख रहे थोड़ा सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं, वहां से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि वो रेट पे हम लोग को एग्जिट करना है, वो टाइम पे हमें पता चलता है कि लॉन्ग अनवाइंड हो रहे हैं। लॉन्ग अनवाइंड कब होते हैं, जब भी 118-120 के आसपास वो स्टॉक का भाव पहुंचा, वहां पर हम लोग ने देखा कि प्राइस गिरना चालू हो गया, साथ में फॉल इन ओपन इंटरेस्ट। फॉल इन ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, लोगों का इंटरेस्ट जो जमा हुआ था 100 से 120 के रेंज में, उसके बाद 120 के आसपास जब बाहर है तभी लोगों का इंटरेस्ट कम होना चालू हो रहा है, तो हमें पता चलता है कि लोगों यहाँ से बुकिंग करना चालू कर रहे हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो जब भी प्राइस गिरती है और ओपन इंटरेस्ट गिरती है तो लॉन्ग अनवाइंड होते हैं। जो तीसरी चीज है वो है शॉर्ट क्रिएशन। शॉर्ट क्रिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे शॉर्ट क्रिएशन डायरेक्टली एक वाइस वर्सा लॉन्ग क्रिएशन पोजीशन जैसे होते हैं। जैसे लोगों ने हावी होकर बाइंग किया था, अपसाइड लग रहा था तो लॉन्ग क्रिएशन किया था, वैसे कभी किसी को कोई स्टॉक या इंडेक्स नेगेटिव लगते हैं तो हावी होकर नीचे का बाइंग करते जाते हैं, नीचे सेल करते जाते हैं, फ्यूचर शॉर्ट करते जाते हैं या पुट खरीदते जाते हैं। तो उसका वो कैसे पता चलता है हमें कि लोग का इंटरेस्ट इसमें नेगेटिव साइड टर्न अराउंड हो रहा है। जब भी कोई प्राइस गिर रहा है साथ में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब प्राइस गिर रहा है, नीचे के प्राइस में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक गिरने वाला है। सो वही टाइम पे हमें पता चलता है कि यहाँ से फ्रेश शॉर्ट्स का पोजीशन क्रिएट होता है, तो शॉर्ट क्रिएशन वो टाइम पे होता है। जो चौथी चीज है वो शॉर्ट कवरिंग। जैसे हम लोग ने लॉन्ग अनवाइंड का एग्जाम्पल लिया कि रेजिस्टेंस जोन पे आते तभी वहां से प्रॉफिट बुक होना चालू होता है, प्राइस गिरने लगता है और ओपन इंटरेस्ट भी गिरने लगता है, वैसे ही शॉर्ट कवरिंग रहते हैं। जब भी कोई शॉर्ट फ्रेश शॉर्ट्स पोजीशन इनिशिएट होते हैं वो एक सपोर्ट जोन पे आ जाता है, वहां पर हम लोग देखते हैं प्रॉफिट बुकिंग होना चालू हो गया और वापस ओआई गिरना चालू हो गया। शॉर्ट कवरिंग कब होती है, जब भी कोई स्टॉक में तेजी से गिरावट आई पर एक रेंज रहता है डाउन साइड का, जो सपोर्ट जोन रहता है वहां से हम लोग देख रहे हैं स्टॉक में वापस बाइंग होना चालू हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी शॉर्ट्स हो है वो सब कवर कर रहे हैं और वापस एक लॉन्ग की तरफ एंट्री मार रहे हैं, ये हमें कभी पता चलता है। जब भी प्राइस इंक्रीज हो रहा है और लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है शॉर्ट के साइड, तभी पता चलता है कि शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं। तो ये चार तरीके थे ओपन इंटरेस्ट के समझने के लिए, लॉन्ग क्रिएशन, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट क्रिएशन और शॉर्ट कवरिंग। नेक्स्ट स्लाइड। सो हम लोग देखेंगे तो कोई भी स्टॉक या इंडेक्स इसी तरह प्ले आउट करते हैं, एक सर्कल में प्ले आउट करते हैं। सबसे पहले उसमें लॉन्ग क्रिएशन होता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसमें लॉन्ग अनवाइंड होता है, वहां से शॉर्ट क्रिएशन होता है और शॉर्ट कवरिंग होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कभी किसी का तेजी का व्यू बना तो वहां से लॉन्ग क्रिएशन हो गया, फिर वहां से ऊपर के एक रेजिस्टेंस जोन पे आया, मतलब वहां से लॉन्ग अनवाइंड करना चालू हो गया, मतलब प्रॉफिट बुकिंग करना चालू हो गया। जो थर्ड तरीके आते हैं, मतलब प्रॉफिट बुकिंग तो करना चालू कर दिया और वहां से पब्लिक का कंप्लीटली, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का व्यू कंप्लीटली शॉर्ट तरफ कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब शॉर्ट क्रिएशन हो रहा है, तो वहां से वापस सपोर्ट से बाइंग करना चालू होता है, मतलब शॉर्ट कवरिंग होता है। सो कोई भी स्टॉक या इंडेक्स यही सर्कल में प्ले आउट करता है। नेक्स्ट चार्ट। सो हम लोग ने थियरी वाइज तो कम्प्लीटली समझ लिया कि ओआई होता क्या है, पर अभी सबसे इम्पोर्टेंट इसको चार्ट में हम लोग को कैसे ट्रैक करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो आज के लिए सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है वो इसी चीज के लिए है कि ओआई के साथ हम लोग स्टॉक कैसे पिक करें। और एक चीज इम्पोर्टेंट बताना मैं भूल गया, अगर हम लोग ओआई ट्रैक कर रहे हैं तो उसके साथ
चार्ट्स, टेक्निकल चार्ट्स और वॉल्यूम, ये दोनों भी ट्रैक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तीनों का पैरामीटर एक साथ हम लोग ट्रैक करेंगे तो विनिंग प्रोबेबिलिटी हायर साइड हो जाएगी। उसी तरह हम लोग ट्रैक करते हैं, ये जो सामने चार्ट मैंने आपके लिए बनाया है वो मेरिको का चार्ट है। मेरिको का लास्ट 3 मंथ्स का डेटा है इसमें। जो ऊपर का आपको कैंडल स्टिक दिख रही है वो कैंडल स्टिक फर्स्ट बार में कैंडल स्टिक है, जो सेकेंड बार है ब्लू कलर का जो बार है वो है वॉल्यूम का बार, जो थर्ड बार है येलो कलर का वो है ओपन इंटरेस्ट का बार, और जो फोर्थ बार है पर्पल कलर का वो है डिलीवरी वॉल्यूम्स का बार। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो लेफ्ट से हम लोग राइट साइड जाएंगे, तो लेफ्ट साइड से हम लोग चालू करते हैं। ओपन इंटरेस्ट के बार में आप देखना चालू कीजिए, जहां पर मैंने सर्कल मार्क किया है वहां पर इजीली दिख रहा है कि ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन बढ़ना हम लोग देख रहे हैं। और 6 कैंडल जो मैंने सर्कल मार्क किया उसमें आप देख रहे हो कंटिन्यूस और 6 के 6 कैंडल में ओपन इंटरेस्ट बढ़ती हुई दिख रही है। उसी के साथ हम लोग देखेंगे ऊपर प्राइस का चार्ट देखते हैं, ऊपर जो कैंडल स्टिक फॉर्म की हुए वो हम लोग देखेंगे। तो वो टाइम पे आप देखेंगे जब भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चालू हुआ तभी चार्ट देखे, वही टाइम पे प्राइस डिक्रीज होना चालू हुआ। इसका मतलब क्या होता है, जो थर्ड पैरामीटर है फ्रेश शॉर्ट्स, जब भी प्राइस गिरता है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है इसका मतलब क्या होता है, लोगों का व्यू डायरेक्ट शॉर्ट की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, नेगेटिव मंदी की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। और वही हम लोग को चार्ट में दिखा, पहले ओपन इंटरेस्ट हम लोग को इंडिकेटर दे दिया कि इसमें शॉर्ट्स की क्रिएशन हो रही है, उसके बाद जैसे ही चार्ट में ब्रेकडाउन आया हम लोग एक भारी गिरावट स्टॉक में आती हुई दिखी। और जैसे हम लोग ने कहा कि जो सर्कल में चलते हैं ओपन इंटरेस्ट का चार्ट, तो फ्रेश शॉर्ट के बाद आते हैं शॉर्ट कवरिंग, वही नेक्स्ट हम लोग ने जो स्क्वायर मार्क किया है जो बीच में है जो मिडल में है वो स्क्वायर मार्क वो शॉर्ट कवरिंग। इसका मतलब क्या होता है, पहले हम ओपन इंटरेस्ट का उसमें बार देख लेते हैं, जो नीचे स्क्वायर में मार्क किया मैंने येलो बार पे, वहां पर हम लोग देख रहे ओपन इंटरेस्ट तेजी से गिरना चालू हो गया, फ्लैट जोन में आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट तो गिरना चालू हो गया और प्राइसेस इंक्रीज चालू हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस जो भी शॉर्ट्स फ्रेश शॉर्ट्स हुए थे वो लोग वापस लॉन्ग्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। वो कैसे पता चला, आप देख सकते हो चार्ट पे, चार्ट इंक्रीज होना चालू हुआ, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होना चालू हुआ, मतलब शॉर्ट कवरिंग की रैली चालू हो गई है। सो इसके बाद आते हैं फ्रेश लॉन्ग्स। जैसे हम लोग लास्ट जो हम लोग ने स्क्वायर मार्क किया है, स्क्वायर हम लोग ने जो ओपन इंटरेस्ट का फॉर्म किया है, पिक्चर ड्रॉ किया है, उसके ऊपर हमें पता चल रहा है जैसे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जैसे मैंने लाइन ड्रॉ की ओपन इंटरेस्ट पे आप देखोगे तो एक लाइन अपसाइड का लाइन हम लोग को दिख रहा है, मतलब पहले इंडिकेशन दे रहा है ओपन इंटरेस्ट। जब भी स्टॉक बढ़ना भी चालू नहीं हुआ तो उसके पहले ओपन इंटरेस्ट ने इंडिकेशन दे दिया था कि अपसाइड का रैली आप कभी भी देख सकते हो, और रैली हम लोग को कभी पता चले कि कंफर्मेशन रैली हो गई है, ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ना चालू हो गया, साथ में हम लोग देख रहे बाइंग भी चालू हो गए, प्राइजेस भी इंक्रीज होना चालू हो गए, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। और साथ में जैसे मैंने आपको पहले बताया वॉल्यूम और टेक्निकल चार्ट्स का अगर आप हेल्प लोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी विनिंग हाई हो जाएगी। सो ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चालू हुआ, वॉल्यूम भी प्राइस भी इंक्रीज होना चालू हुआ, पर साथ में आप देखोगे तो जो ब्लू बार है जो मैंने सर्कल मार्क किया है उस पर आप देख रहे हो कि वॉल्यूम 3 मंथ्स का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। जो मिडिल कैंडल है वॉल्यूम का वहां पर आप देख रहे हो शार्प राइज देख रहे हो, मतलब वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। और साथ में जो लास्ट बार है पर्पल कलर का उसमें आप देख रहे हो कि डिलीवरी भी मार्क होना चालू हो रहा है, तो डायरेक्टली हम लोग को इंडिकेशन दे रहे हैं कि इसमें आने वाले टाइम में अच्छी खासी तेजी हम देख सकते हैं। ये तो हो गया हम लोग को फ्यूचर में कैसे ट्रैक करना है ओपन इंटरेस्ट को, पर अभी इसको कॉल और पुट में कैसे ट्रैक किया जाए उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। सो जो ब्लू कलर का ये मार्क है, जो ब्लू कलर का बार है वो कॉल राइटर्स की पोजीशन, और जो पिंक बार है वो पुट राइटर्स की पोजीशन। सबसे पहले मैं बता दूं, हम लोग कॉल और पुट ऑप्शन जो भी देखेंगे वो एज अ राइटर के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि इंडियन मार्केट इज अ सेलर मार्केट, तो जो भी ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन रहेगी वो एज हम सेलर देखेंगे। ये जो भी हम लोग ब्लू मार्क्स देख रहे हैं वो कॉल सेलर्स की पोजीशन है, और जो भी पिंक मार्क देख रहे हो वो पुट सेलर्स की पोजीशन है। इसका मतलब क्या होता है, कॉल सेलर्स मतलब मंदी करने वाले और पुट सेलर्स मतलब तेजी करने वाले। सो जो ऊपर का बार आप देख रहे हो जो येलो कलर का सर्कल मार्क किया है वो है ओपन इंटरेस्ट, और जो डाउन साइड जो नीचे का बार है वो है वॉल्यूम का बार है। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट हमें कॉल और पुट की डेटा के हिसाब से हमें क्या बता रहे, स्टॉक कैसे घटना रचने वाली है। ये मेरिको का ही चार्ट है, जैसे मेरिको को हम लोग देख रहे हैं 325 और 330 के आप स्ट्राइक पे देख लीजिए। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि 324 330 के रेंज में कॉल सेलर्स की पोजीशन बढ़ती हुई देख रही है, कॉल राइटर्स की पोजीशन बढ़ती हुई देख रही है,
ऑल रेडिस की पोजीशन बढ़ती हुई दिख रही है, मतलब ये हम लोग को बताता है कि वहां पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और नीचे हम लोग देखे 310 और 300 के पुट राइटर्स की पोजीशन बढ़ती हुई दिख रही है, मतलब ये बताता है कि वहां पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। तो एक रेंज तो हम लोग को पता चल गया मैरिको का 300 से 330 का रेंज है, और इसमें बाइंग में एंट्री कब लेनी थी ये अब हमें पता चलेगी। अब जैसे देख रहे हो 320 का स्ट्राइक आप देख रहे हो, उसमें आप देख रहे हो कि जो कॉल राइटर्स की बार थी वो डायरेक्टली नीचे शिफ्ट होती हुई दिखे, मतलब इसका मतलब क्या होता है, जो भी कॉल राइटर्स की पोजीशन थी उन लोगों ने लॉन्ग अनवाइंड कर दिए, कॉल राइटर्स की पोजीशन अनवाइंड कर दी, मतलब जो भी वहां पर रेजिस्टेंस होल्ड करके बैठे थे उन लोग ने पोजीशन कंप्लीटली शिफ्ट की है, और वहां से बाइंग जोन का मोमेंटम उन लोग ने दिखाया, क्योंकि जो भी मंदी करने वाले थे उन लोग की पोजीशन हट गई है, और वहीं पर हम देखे तो वॉल्यूम भी गिरता हुआ दिखा है, जो भी मंदी करने वाले थे उन लोग को वॉल्यूम गिरता हम लोग को दिखा है। तो डायरेक्टली इंडिकेशन दे रहा है 310 से 320 के स्ट्राइक पे जो हिसाब से पुट राइटर्स की पोजीशन बढ़ी और कॉल राइटर्स की सामने पोजीशन गिरती हुई दिखी, तो डायरेक्टली इंडिकेशन दे रहा था कि यहाँ से मैरिको में कभी भी हम लोग तेजी देख सकते हैं। तो ये था कॉल राइटर्स और पुट की पोजीशन कैसे ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से शिफ्ट होती है। नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग ने लॉन्ग साइड तो देख लिया, मैरिको का लॉन्ग साइड कैसे पिक करना वो देख लिया, अभी हम लोग शॉर्ट साइड की पोजीशन देखते हैं, शॉर्ट को कैसे पिक करना है। जैसे हम लोग ने डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक सिलेक्ट किया आज के दिन में, डॉक्टर रेड्डी हम देखे तो लास्ट 6 महीने का चार्ट मैंने लिया हुआ है, राइट साइड में जो मैंने कैंडल स्टिक पे सर्कल फॉर्म किया हुआ है उस पर आप देखोगे प्राइस गिरना चालू हुआ उसके पहले जो ओपन इंटरेस्ट, जो सेकंड बार है येलो बार है वो ओपन इंटरेस्ट का, और जो थर्ड बार है पर्पल कलर का वो डिलीवरी बार। तो जैसे ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चालू हुआ हम लोग देख रहे ओपन इंटरेस्ट पे मैंने आप देखोगे तो एक लाइन भी ड्रॉ की हुई अपसाइड की, तो जैसे ही ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चालू हुआ हम लोग ने देखा प्राइस गिरना चालू हो गया। ये जब भी बढ़ना चालू हुआ था तभी हम लोग देखेंगे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वो टाइम पे था 3900 से 4000 के रेंज में डॉक्टर रेड्डी था, और जैसे जैसे धीरे धीरे ओपन इंटरेस्ट बढ़ते उसके एडिशन होते गया और प्राइस थोड़ा भी गिरना चालू हो गया उसके बाद हम लोग ने देखा कम से कम 400 पॉइंट की गिरावट वहां से देखी, मतलब 4000 हाईएस्ट ट्राइड पे गया था वहां से मिनिमम 3600 के रेंज में आते हुए हम लोग ने डॉक्टर रेड्डी को देखा। सो प्राइस मूवमेंट करने के पहले हम लोग को ओपन इंटरेस्ट ने इंडिकेशन दे दिया था कि स्टॉक में कभी भी नेगेटिव न्यूज आ सकती है, और एक कंफर्मेशन यहां से हमें कभी कभी पता चली, जैसे डिलीवरी मार्क हम लोग देख रहे जैसे ओपन इंटरेस्ट का मैंने आपको दिखाया कि लाइन जैसे मैंने अपसाइड ड्रॉ किए वैसे डिलीवरी बार डाउन साइड ड्रॉ किए, जब भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चालू हुआ डाउन साइड के लिए तब भी आप देखोगे डिलीवरी डिक्रीज होना चालू हुई। इसका मतलब क्या है, जो भी लॉन्ग्स के पोजीशन डिलीवरी लेके बैठे थे इतने टाइम से आप देखोगे डॉक्टर रेड्डी पिछले कई महीनों से पॉजिटिव ट्रेंड में था, उसके बाद हम लोग देख रहे कि ओपन इंटरेस्ट गिर रहे प्राइस गिर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है प्राइस गिर और डिलीवरी भी कम होने चालू है, मतलब जो भी लॉन्ग्स की पोजीशन थी वो लोग सब अभी कवर करना चालू कर रहे प्रॉफिट बुक करना चालू कर रहे। सो डायरेक्टली इंडिकेशन हम लोग को दे रहा था डॉक्टर रेड्डी जैसे ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चालू हुआ कि इसमें नेगेटिव ट्रेंड कभी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वही हम लोग ने देखा लास्ट वीक में कि ओपन डॉक्टर रेड्डी कम से कम 400 पॉइंट हाई से गिरता हुआ दिखा। नेक्स्ट स्लाइड अभिषेक, नेक्स्ट स्लाइड। डॉक्टर रेड्डी का हम लोग ने चार्ट पे तो ट्रैक कर लिया, पर इसका कॉल और पुट से अभी हम लोग कंफर्मेशन लेते हैं। कॉल और पुट के हम लोग देखते हैं जहां पर मैंने सर्कल मार्क किया है वो ओपन इंटरेस्ट का बार, जो ब्लू बार है वो एक कॉल राइटर्स की पोजीशन, जो पिंक बार है वह पुट राइटर्स की पोजीशन, और जो लास्ट में बार है वह वॉल्यूम्स का बार है। तो सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट के बार के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग देख रहे जो एटीएम स्ट्राइक्स के आसपास है, एटीएम स्ट्राइक मतलब 38 से 39 के बीच में जब डॉक्टर रेड्डी प्ले आउट कर रहा था वो टाइम पे हम देखे तो 3800 से 39 और 4000 के स्ट्राइक पे हम लोग देखे तो कॉल राइटर्स की पोजीशन एक्सट्रीम लेवल पे इंक्रीज होती हुई हम लोग को दिखी थी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया जब भी कॉल राइटर्स बढ़ती है तो हम लोग को एक नेगेटिव ट्रेंड पता चलता है, मतलब 3800 से 4000 का रेंज एक रेजिस्टेंस जोन बन गया था, वहां से पोजीशन अपसाइड शिफ्ट नहीं हो रही उल्टा डाउन साइड में एडिशन होते हुए हम लोग को दिख रही थी। सो डायरेक्टली इंडिकेशन दे रहा था कि पुट राइटर्स के सामने कॉल राइटर्स की पोजीशन हैवी थी, और डाउन साइड में हम देखे तो पुट राइटर्स का ऐसी कोई पोजीशन भी नहीं थी जो सपोर्ट दे पाए स्टॉक को। सो डायरेक्टली इंडिकेशन था कॉल पुट से भी कि हम लोग को शॉर्ट में स्टॉक में शॉर्ट जाना चाहिए। तो जैसे हम लोग को चार्ट पे कंफर्मेशन मिला वैसे कॉल पुट ऑप्शन में भी कंफर्मेशन मिला कि स्टॉक में कभी भी गिरावट देख सकते हैं। सो हम लोग ने चर्चा की दोनों स्टॉक के ऊपर, एक लॉन्ग साइड और एक शॉर्ट साइड। अभी इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि इंडेक्स में कैसे प्ले आउट करता है और इंडेक्स में कैसे प्ले करता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाते हैं।
ये निफ्टी का 13th मई का एनालिसिस, इसमें हम लोग को क्या बताया जा रहा है। जैसे हम लोग देख रहे हैं मार्केट में कोई भी न्यूज आने वाली रहती है और पहले से डिस्काउंट या फैक्टरिंग हो जाती है। जैसे 12th मई को अनाउंस हुआ कि इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस होने वाला है, जो अप्रैल सेशन में हम लोग देख रहे थे पूरा महीना एक वही न्यूज के ऊपर हम लोग ने देखा कि मार्केट होल्ड करके रखा था। जो भी फॉल हम लोग ने मार्च सेशन में देखा था उसका हैवी पुलबैक हम लोग ने अप्रैल सेशन में देखा था एक ही न्यूज के ऊपर कि इकोनॉमिक पैकेज अच्छा खासा आ सकता है। और वो जब भी इकोनॉमिक पैकेज आया उसके पहले मार्केट ने रैली तो दे दी थी अपसाइड की कंप्लीटली अप्रैल सेशन में हम लोग ने देखा, तो वही न्यूज के ऊपर कंप्लीटली हैवी पुलबैक हम लोग को मार्केट में दिख गई थी। पर जब भी 12th मई को शाम को अनाउंस होने वाला था इकोनॉमिक पैकेज आने वाला है, तो वही दिन का 12th मई का जो क्लोजिंग हुआ था ओपन इंटरेस्ट का कॉल और पुट राइटर्स की पोजीशन, वो हम देखते हैं क्या हम लोग को बता रही है। जैसे हम लोग देख रहे हैं जो ऊपर का बार है वो पूरे महीने का ओपन इंटरेस्ट है, मतलब जितनी भी एक्सपायरीज है जो चार एक्सपायरीज रहती है और चार चार कंबाइन होकर ऊपर में पोजिशन दिख रही है हम लोग को कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की पोजिशन। और जो नीचे का हम लोग को बार दिख रहा है, जो नीचे का ग्राफ दिख रहा है, वो ये दिखा रहा हम लोग को कि जो एक दिन पहले जो घटना रची थी, मतलब 12th मई को क्लोजिंग के बेस पे जो ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ था, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ था, वो सेकंड ग्राफ दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम ऊपर का ग्राफ हम लोग पैक करते और एनालिसिस करते उसका मतलब क्या है। जैसे हम लोग देख रहे हैं जो 9200 से 10,000 के स्ट्राइक्स आप देखोगे तो वहां पर हम देख रहे हैं कि कॉल राइटर्स की पोजीशन एक्सट्रीम लेवल पे इंक्रीज होती हुई दिख रही थी हम लोग को। जैसे हम लोग देख रहे हैं 9500 और 10,000 का स्ट्राइक भी देख लो तो डबल थी, पुट राइटर्स की पोजीशन के सामने डबल थी। अभी कॉल राइटर्स की पोजीशन इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव साइड व्यू कम्प्लीटली और लोगों का स्ट्रेच हो रहा है। जो भी न्यूज मार्केट की में आने वाली थी और जो भी न्यूज वो दिन रिफ्लेक्ट होने वाली थी इकोनॉमिक पैकेज के ऊपर, जिसके ऊपर एक्सपेक्टेशन कम्प्लीटली मार्केट लगाए बैठा था, पर हम लोग देख रहे ओपन इंटरेस्ट में पोजीशन तो कुछ अलग ही दिखा रही थी। जैसे हम लोग देखे 9200 से 10,000 की रेंज हम लोग देखे तो कम्प्लीटली कॉल राइटर्स की पोजीशन हम लोग को दिखा रही थी। और वैसे ही वो दिन चेंज क्या हुआ जो सेकंड ग्राफ हम लोग को दिखा रहा है, अभी चेंज देखते हम लोग। चेंज में ये दिखा रहा है कि 9100, 9200, 9500 और 9600 के स्ट्राइक पे हम लोग देखे तो वहां पर भी कॉल राइटर्स की पोजीशन हैवी बढ़ती हुई दिख रही थी। उल्टा उनके सामने जो भी पुट राइटर्स की पोजीशन थी, जो भी सपोर्ट देने के लिए मार्केट में जो भी पोजीशन खड़ी थी, उन लोग ने भी सपोर्ट निकाल दिया, मतलब उन लोग का भी प्रॉफिट बुक कर दिया और वो लोग नीचे शिफ्ट होते हुए हम लोग को दिखे। जो भी 9300 और 9400 के स्ट्राइक से पोजीशन थी पुट राइटर्स की, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि डाउन साइड का एरो दिख रहे, डाउन साइड का बार दिख रहा है। मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको कैसे एनालिस कर सकते हैं? 9300 और 9400 पे जो डाउन साइड का बार दिख रहा है वो है पुट राइटर्स का बार। मतलब जो भी पोजीशन 9300 और 9400 पे थी, जो सपोर्ट लगा के बैठे थे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स, उन लोग ने प्रॉफिट बुक कर लिया, पोजीशन शिफ्ट कर ली। 9300 और 94 पे जो भी सपोर्ट था वो कम्प्लीटली एग्जिट कर दिया और कम्प्लीटली हम लोग स्टॉक देखे तो कॉल राइटर्स के हावे में शिफ्ट हो गया था और कॉल राइटर्स की पोजीशन में शिफ्ट हो गया था। सो डायरेक्टली इंडिकेशन दे रहा था कि जो भी इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस होगा, पर जो हिसाब से कॉल और पुट की जो हिसाब से ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन दिखा रही है वो एक नेगेटिव साइड ही दिखा रही है। नेक्स्ट चार्ट ले लेते हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड। सो ये 13th मई का चार्ट है। वो दिन जब भी 12th मई को इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस हुआ तभी हम लोग ने देखा कि एसजीएक्स 400 टू 500 पॉइंट अपसाइड था, तो वही रेट पे मार्केट जो ओपन होते हुए दिखा। पर जो हम लोग को ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन दिखा रही थी, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की जो भी पोजीशन दिखा रही थी वो नेगेटिव साइड पे ही दिखा रही थी। तो जो एसजीएक्स के हिसाब से मार्केट ओपन हुआ उसके बाद हम लोग ने देखा कम्प्लीटली जो भी प्रेशर था वो पूरा पूरा निकलता हुआ दिखा। जो भी मार्केट में लॉन्ग से वो कम्प्लीटली एग्जिट होते दिखा और कम्प्लीटली शॉर्ट साइड कन्वर्ट होते हुए हम लोग को दिखा। सो ये डायरेक्ट इंडिकेशन दे रहा था ओपन इंटरेस्ट, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट ट्रैक करोगे तो आप लोग को मार्केट में जो भी न्यूज आने वाली है उसके पहले पता चल रहा है कि कहाँ क्या कहाँ पर इंडिकेशन आने वाला है और कहाँ पर कैसे स्टॉक शिफ्ट करने वाला है। और एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे द वेरी नेक्स्ट डे निफ्टी का, नेक्स्ट चार्ट ले लेते हैं 14th मई का। 14th मई का एनालिसिस अभी हम लोग को क्या बता रहा है, फॉल तो मार्केट में इतना आ गया वो दिन 13th मई को, उसके बाद 13th मई को क्लोजिंग पे कैंडल स्टिक कैसे स्विच होती है हम लोग को दिखी। जो पहला ग्राफ है ऊपर का ग्राफ, उसमें हम लोग देखेंगे अभी भी 9400 से 10,000 के रेंज में कॉल राइटर्स की पोजीशन हैवी थी। और नीचे में हम लोग देखे तो नीचे जो सेकंड ग्राफ है उसमें भी हम लोग देखे तो 9500 से 10,000 के मार्क पे हैवी कॉल राइटर्स की पोजीशन है। मतलब अगर पुलबैक भी आ रहा है
तो 9500 से 9700 के रेंज में एक हैवी अच्छा खासा हम लोग रेजिस्टेंस देख सकते हैं, वहां से वापस प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। अभी इसमें इंडिकेशन हमें कैसे मिला कि इसमें कैसे सिलेक्ट करना, इसमें बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए, उसमें हम लोग देखते हैं जो भी एटीएम स्ट्राइक के आसपास था, 9500 के आसपास और 9400 के आसपास हम देख रहे हैं। तो वो टाइम पे हम देख रहे हैं जो हिसाब से पुट राइटर्स की पोजीशन है, जो हिसाब से पुट राइटर्स की डाउन साइड में पोजीशन है, उसके सामने डबल पोजीशन कॉल राइटर्स की पोजीशन अपसाइड में, मतलब लोगों का अभी भी, इन्वेस्टर्स का अभी भी व्यू शॉर्ट साइड की तरफ खत्म नहीं हुआ था। और जैसे ही नियरेस्ट स्ट्राइक पे 9400 और 9500 स्ट्राइक पे कॉल राइटर्स की पोजीशन बिल्डअप होना चालू हो गई थी, तभी हम लोगों को क्लियर इंडिकेशन मिल गया था कि स्टॉक इंडेक्स में वापस नेक्स्ट डे वापस हम सेलिंग देख सकते हैं। सब देखते हैं नेक्स्ट डे पे क्या इनिशिएट हुआ था और कैसे चार्ट फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड के 14 में का एनालिसिस है। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा खास अच्छा खासा थोड़ा बहुत हम लोग ने थोड़ा बहुत अपसाइड आते हुए मार्केट को देखा, पर जैसे ही मार्केट अपसाइड के रेजिस्ट कर रहा था, ऊपर के लेवल को सस्टेन नहीं कर रहा था, उसके बाद हम लोग ने देखा हैवी सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा। कम से कम 250 से 300 पॉइंट का फॉल हम लोग ने निफ्टी में वो दिन का देखा था। सो ओपन इंटरेस्ट, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि जब तक आप ओपन इंटरेस्ट समझ नहीं रहे हो, तब तक ऑप्शन में ट्रेड करना बहुत ही डिफिकल्ट है। पर अगर आप एक बार ओपन इंटरेस्ट समझ गए और सीख गए, तो अब जो भी आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है और जो भी आप लोग स्टॉक में एनालिसिस करते हो, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मिनिमम 20-25% एक्यूरेसी आपकी इंक्रीज हो सकती है अगर आपने ओपन इंटरेस्ट ट्रैक करना चालू कर दिया। थैंक यू, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच अमित, एंड आई वुड थैंक ऑल पार्टिसिपेंट्स फॉर जॉइनिंग दिस सेशन।